नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, ये कहावत आपने सुना होगा। एंड हमारे देश में अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से इसको कहा जाता है, लेकिन इसका मीनिंग सेम ही है कि किसी बिजनेस या किसी इंडिविजुअल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फितरत है, जो काम करने का जो तरीका है, वो कभी चेंज नहीं होता। और वही चीज़ जो है आज वोडाफोन आइडिया ने भी प्रूव किया है कि आज से 10-11 साल पहले जब वो वोडाफोन था, तब भी वो जो है अपने कस्टमर्स को, अपने उपभोक्ता को चीट करके, है ना, फ्रॉडुलेंट तरीके से उनके नंबर पे सर्विस एक्टिवेट करके उनके अकाउंट का बैलेंस काट के जो है पैसा चोरी कर लिया करता था। एंड आज भी जो है खुद को वोडाफोन आइडिया रीब्रांड करने के बाद भी जो है आज 11 साल बाद भी जो है कंपनी वही कर रही है। ठीक है, तो क्या है पूरा मैटर वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लास्ट तक देखिए। और दूसरा चीज़, अगर आप वोडाफोन आइडिया यूज़ करते हो या अगर आप सोच रहे हो कि वोडाफोन आइडिया में आप अपना नंबर पोर्ट करवाओगे या जानते हो किसी को जो वोडाफोन आइडिया का सिम यूज़ करता है, देन डेफिनेटली जो है रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि शायद मेरे इस वीडियो से, इस इन्फॉर्मेशन से आप जो है फ्रॉड के हाथों से बच जाओ। एंड यहाँ पे ये जो फ्रॉड है, दिस इज़ ए कॉरपोरेट फ्रॉड। ठीक है, कैसे फ्रॉड होता है आपको मैं बताता हूँ। आज सुबह यानी 3 फरवरी 2022 सुबह उठा एंड जस्ट लाइक एवरी अदर मॉर्निंग आई वुड चेक माई फोन, एंड फोन पे जो है मेरे पास ये मैसेज दिखा। ठीक है, एंड इस मैसेज पे जैसा मैं देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हो स्क्रीन पे, जो लेफ्ट साइड में जो SMS का स्क्रीनशॉट है, कि कोई फन पोर्टल नाम का कोई सर्विस मेरे वोडाफोन नंबर पे एक्टिवेट हो गया है और मेरे नंबर से 20 रुपये का बैलेंस काट लिया गया है। तब जो है ऑल ऑफ ए सडन मुझे याद आया कि यार ये सारा चीज़ तो आज से 10 साल 11 12 साल पहले वोडाफोन किया करता था, क्योंकि उस टाइम भी मेरे पास वोडाफोन का नंबर था। तब ये लोग क्या करते थे कि कभी IVR से कॉल भेज दिया मेरे नंबर पे, ठीक है, तो मैंने कॉल रिसीव कर लिया तो मेरे नंबर से 45 रुपये कट गए। 45 रुपये जो कटे उसमें से 30 रुपये कट गया कॉलरट्यून का मंथली रेंटल और 15 रुपये सॉन्ग सिलेक्शन, और सॉन्ग सिलेक्शन भी ऐसा जो वोडाफोन का एवरी डे आई वॉन्ट टू बी बाय माई साइड, वो जो सड़ा सा जो गाना है वो सड़ा सा गाना लग जाता था। कस्टमर केयर पे कॉल करो, कॉल करके बोलो तो उनका कोई पॉलिसी है कि आपको जो है एक ही चीज़ का पैसा रिफंड हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है मैं 30 रुपया ही रिफंड लूंगा, तो 30 रुपये में रिफंड ले लेता था, 15 रुपये कंपनी खा लेती थी। ठीक है, फिर मैं फ़ोन में बैलेंस भरता था, फिर मैं रिचार्ज करता था। तो वही चीज़ जो है आज यहाँ पे वोडाफोन ने रिपीट मेरे साथ किया। यहाँ पे ना मेरे पास कोई मैसेज आया, ना मैंने कोई USSD कोड डायल करके कोई सर्विस एक्टिवेट किया, है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे नंबर से 20 रुपये गायब है। मैसेज भेज दिया कि भाई कोई फन पोर्टल नाम का कोई सर्विस है, ये मैंने एक्टिवेट किया है या मेरे नंबर पे एक्टिवेट हो गया है और 20 रुपये कट गए। ठीक है, टोटल इलीगल है ये, इसको कहते हैं इलीगल VAS एक्टिवेशन। ठीक है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप चाहो तो यू कैन फाइल ए क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी अंडर सेक्शन 415 ऑफ IPC, दैट इज फ्रॉड, सेक्शन 420, दैट इज चीटिंग, एंड सेक्शन 405, दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो अगर आप पुलिस के पास जाते हो, पुलिस वाला अगर कंप्लेंट लेने से मना करता है, सिंस ये मैटर कॉग्निजेबल है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उनके यहाँ अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ CRPC आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करके कंपनी को नोटिस सर्व कर सकते हो। कंज्यूमर कोर्ट में भी इसको आप पिटिशन मूव कर सकते हो, सिविल सूट फाइल कर सकते हो, एंड इस पे आप कॉम्पेंसेशन डिमांड कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ तो मैं करूँगा, प्राइमरीली आई हैव फाइल्ड ए बेसिक कंप्लेंट एट द कंज्यूमर कोर्ट टू सी कि अगर हम इसको बातचीत के थ्रू एमिकेबली इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अगर इनका रिस्पॉन्स नहीं आया, देन डेफिनेटली जो है आई विल टेक एडिक्वेट लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। बट ओवरऑल यहाँ पे मैटर इनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेना या इनसे कॉम्पेंसेशन लेना वो नहीं है, मैटर ये है कि आप इस कंपनी को कितना ट्रस्ट करते हो। और अगर मैं आपको दिल से बोलूँ ना दोस्तों, वोडाफोन आइडिया गूगल में जाके सर्च कर लो, कंपनी का हालत बहुत ख़राब है, BSNL से भी ख़राब है इनका कंडीशन। ठीक है, पैसा है नहीं, है ना, बहुत सारा पैसा इनका जो है देवा हो गया मार्केट में, पैसा दे नहीं पा रहे, पैसा चुका नहीं पा रहे। ठीक है, तो आदित्य बिरला का नाम इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक इंडियन आदमी है। तो मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, इस पे थोड़ा सा जो है मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ इस आदमी को, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे दो नंबर लेने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी
फिर भी मैंने सोचा कि ये बिजनेस जो है मतलब भिखारी होने के कगार में है, ठीक है, पैसा तो है नहीं इनके पास, बहुत घटिया फाइनेंशियल कंडीशन में है कंपनी। तो तब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, दो नंबर ले लेता हूँ लेके इनको अपने एंड से थोड़ा सा मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ये सारा चीज़ होने के बाद ना दोस्तों, ये मतलब ऐसे लोग हैं कि मतलब एक 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 कहावत है ना कि लाइक यू आर नॉट वर्थ, तो ये लोग जो है किसी के सहानुभूति के वर्दी नहीं है। इनको आप कोर्ट में घसीटो, कोर्ट में इनको जो है नोटिस सर्व करो, इनसे कॉम्पेंसेशन वसूलो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है कंपनी डिजर्व करती है, क्योंकि आप तो देख रहे हो ना कि लाइक जो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने अपनी सहानुभूति दिखाई, मैंने सोचा कि चलो ठीक है दो नंबर लेके इनको मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ, जस्ट बिकॉज कि आदित्य बिरला कंपनी का साथ जुड़ा हुआ है, एक इंडियन आदमी है यार, उसका बिजनेस थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, पैसा वगैरह नहीं है, तो चलो ठीक है नंबर तो चलाना ही है, चलो ठीक है इनका ही चला लेते हैं, कम से कम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, थोड़ा हेल्प हो जाएगा, और इसका जो है ये मेरे को मतलब इन रिटर्न मिला। यार किसी के लिए अच्छा सोचो, किसी के लिए अच्छा करो, और वही जो है आपकी जेब काट के जो है आपसे पैसे चुरा के भाग जाए, मतलब ये तो वही वाली बात हो गई। तो अभी आप क्या कर सकते हो, सपोर्ट के पास जा सकते हो। सपोर्ट पे मैं गया, ट्विटर पे गया मैं, ठीक है, लेकिन कोई रिस्पॉन्डिंग, कोई इंटेंशन ही नहीं है इसको सॉल्व करने का। 20 रुपये लेके मतलब चिंदी चोर, इतना बड़ा कॉरपोरेट कंपनी, करोड़ों में काम करते हैं ये लोग, और किसी से 20 रुपये चोरी करके, चिंदी चोरी करके जो है चुप बैठ गए, 20 रुपये चोरी करके खुश है ये। तो ये है कंपनी, ये है कंपनी का स्टेटस, ठीक है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप वोडाफोन आइडिया यूज करते हो, या सोच रहे हो कि वोडाफोन आइडिया में नंबर पोर्ट करोगे, या जानते हो कि जो वोडाफोन आइडिया का सिम यूज करता है, ये वीडियो देखो, वीडियो शेयर करो, हो सके ना। मैंने तो सारे ऑपरेटर्स यूज किए, तो मुझे जियो और एयरटेल सही लगा, ठीक है, कम से कम वहां पे ये सारा हैरेसमेंट नहीं होता कि अकाउंट से पैसे कट गए, उसके बाद सपोर्ट के नाम पे जो है सब चीज़ टोटल जीरो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ वहाँ पे नहीं होता, और सारे ऑपरेटर्स में जियो का प्लान जो है सबसे सस्ता है, एंड जियो का कवरेज भी सबसे अच्छा है, ठीक है। अब नेट का स्पीड तो यार देखो सभी में एक ही जैसा है, किसी में अच्छा किसी में बुरा, किसी में मान लो कि सारा दिन जो है नेट अच्छा चले, किसी में फिर शाम को जो है बिगड़ जाए। तो इसलिए मैंने अपने घर पर ब्रॉडबैंड लगा लिया, एंड सिर्फ वॉइस कॉलिंग के लिए जो है मैं सिम यूज़ करता हूँ, तो वही सेम चीज़ आप भी कर सकते हो। तो मैं तो यही चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आप पोर्ट आउट कर लो अगर वोडाफोन आइडिया यूज़ करते हो, और अगर सोच रहे हो वोडाफोन आइडिया लोगे, प्लान कैंसिल कर लो, एंड अगर आप जानते हो कि कोई वोडाफोन आइडिया यूज़ करता है उसके साथ ये वीडियो शेयर करो, एंड उसे कहो कि यार भाई ये सारा हैरेसमेंट हो सकता है, इतने बड़े रिस्क है, ये सब झमेले हैं, तो इस बेटर है कि पोर्ट कर लो। पोर्ट करने का प्रोसेस क्या है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिखा है, उसके थ्रू आप ये कर सकते हो। सो या एंड इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है ना, जनता का देश है, तो जनता के सपोर्ट से अगर कोई कंपनी खड़ा हो सकता है ना, तो जनता के एक्शन से कोई कंपनी डाउन भी हो सकता है। उसके लिए हमें किसी कोर्ट और किसी पुलिस की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इनका नंबर यूज़ करना ही बंद कर देना, तो ये सुधरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। तो वही करते हैं, तो मेरे साथ जो हुआ वो मैंने आपको बताया, आप इसे आगे लोगों तक फैलाओ, ताकि जो है हम लोगों को बचा सके कि ये बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनी आके जो है लोगों के साथ फ्रॉड ना कर पाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको जो है इसमें हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिला। कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ फीडबैक वगैरह है वीडियो से रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। सो या दैट विल बी ऑल फॉर नाउ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।